Hey guys, Naman here and welcome back to our channel. तो recently मैंने Redmi Note 10 Pro की unboxing video डाली थी और unboxing के बाद से ही जो है मैं detail videos बनाने में लग गया हूँ. Recently मैंने charging test related video जो है already channel पे डाल दी है, लेकिन आज की इस video में हम बात करने वाले हैं इसके camera के बारे में, यानी कि detail review में देने वाला हूँ. कई सारी images जो है मैंने click की है, बहुत सारे samples लिए हैं, almost हर mode को जो है मैंने test out कर लिया है, even आपको जो है आगे चल के video samples भी जो है मैं दिखाने वाला हूँ. तो detail video ये होने वाली है, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना. और गाइस, आज की इस वीडियो पे हम लेके चलते हैं 1000 लाइक का टारगेट. थोड़ा सा बड़ा टारगेट दे रहा हूं, आई नो आप लोग पूरा कर दोगे. नीचे लाइक का बटन है गाइस, इसको प्रेस जरूर कर देना. और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी जो है 1 लाख की फैमिली करनी है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कैमरा स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं. तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है. सैमसंग का GW3 सेंसर इसमें लगा हुआ है, जो f1.9 एपर्चर को सपोर्ट करता है. उसी के साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है, जो 8 मेगापिक्सल का है. 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है. वही फ्रंट की बात करें तो गाइस यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिल जाता है. तो इमेज क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसमें जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर यूज हुआ है सैमसंग का GW3, वो एक तरीके से विविड टाइप की इमेज के लिए जो है काफी ज्यादा जाना जाता है. कॉन्ट्रास्टी इमेज जो है आपको इसमें देखने को मिलती है. प्लस इसमें जो एक तरीके से टेट्रापिक्सल टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिसके कारण जो इसके सेंसर है वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली लाइट के हिसाब से जो है इमेज की क्वालिटी को जो है एनहांस कर देते हैं. तो ये सारी ऑन पेपर स्पेक्स हैं इस सेंसर के बारे में, लेकिन हम बिलीव करते हैं प्रैक्टिकली. शुरुआत करते हैं 64 मेगापिक्सल से ली गई इमेजेस से. तो ये इमेज जो आप देख रहे हैं 64 मेगापिक्सल के थ्रू ली गई है, और यहाँ पे थोड़ा आर्किटेक्चर टाइप की मैंने इमेज आप लोगों को सबसे पहले दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करता हूं तो आपको डिटेलिंग वगैरह काफी जबरदस्त मिल जाती है. पे एक जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि शार्पनेस वगैरह जो है मुझे यहां पे काफी पसंद आई है, और जैसे ही आप जो है थोड़ा और जूम करके एजेस वगैरह देखेंगे तो वहां पे क्वालिटी आपको काफी वेल बैलेंस मिल जाती है. वहीं अगली इमेज भी जो है काइंड ऑफ सिमिलर सी है, लेकिन इसमें जो है क्वालिटी और भी अच्छी यहां पे देखने को मिल जाती है. जैसे कि मैंने बताया वॉल्स वगैरह जो एक तरीके से एजेस है, यहां पे जूम करके अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छे से मिल जाते हैं. लकीली ऊपर की तरफ 2 बर्ड्स जो है इमेज में कैप्चर हो चुकी है, और आप देख सकते हैं क्वालिटी को काफी अच्छा कर दिया है. जब मैंने इसको डिटेल में टेस्ट किया, तब जो है मुझे समझ में आया कि भाई 64 मेगापिक्सल जो इसमें सेंसर यूज हुआ है वो काफी अच्छी क्वालिटी जो है मेंटेन कर देता है. लेकिन एक जो चीज मैंने नोटिस की है वो ये कि भाई शैडो जब बहुत ज्यादा गिरती है, और अगर आप 64 मेगापिक्सल के थ्रू इमेज क्लिक कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो है एक तरीके से इमेज की ब्राइटनेस को जो है थोड़ा सा कम कर देता है. लेकिन हाँ, अगर आप 64 मेगापिक्सल कैमरा को यूज करके डे लाइट में या फिर ब्राइट सनलाइट में इमेज क्लिक करते हो, तो क्वालिटी आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है. आप क्रॉप वगैरह करके एडिट करके सोशल मीडिया वगैरह पे डाल सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लरिंग वगैरह भी जो है काफी जबरदस्त मिलती है. तो भाई यहाँ पे 64 मेगापिक्सल ने जो है मुझे काफी इंप्रेस किया है. अब डेलाइट इमेजेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने कई सारे सैंपल्स आप लोगों के लिए लिए हैं. एक जो चीज मैं सबसे पहले नोटिस की वो ये कि यहाँ पे आपको जो एक तरीके से एंगल्स मिलते हैं वो काफी वाइड ऑलरेडी मिल जाते हैं. अल्ट्रा वाइड के बाद तो ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंसर जो है काफी बड़ा सा मुझे लगा है, और लाइट कैप्चरिंग वगैरह भी जो है इसमें काफी जबरदस्त लगी है. अगर आप लीव्स वगैरह देखें तो लीव्स वगैरह के कलर को जो है काफी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रास्टी वाला जो है आपको क्वालिटी मिल जाती है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सेंसर जो है एक तरीके से विविड टाइप की इमेज लेने में काफी पॉपुलर है. तो अब अगर मैं बात करूं डायनेमिक रेंज की, तो यहां पे जो है डायनेमिक रेंज को भी काफी अच्छे से हैंडल किया है. ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि आपको काफी लाइट से क्लाउड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस सेंसर ने जो है एक तरीके से लाइट क्लाउड को भी जो है काफी अच्छे से वेल मेंटेन किया है. सब्जेक्ट और पीछे की तरफ जो क्लाउड्स हैं, सनलाइट है, उसको जो है पार्शियली काफी अच्छे तरीके से वेल बैलेंस रखा है. और वहीं अगर कुछ इमेजेस आप देखते हैं तो यहां पे आपको शैडो भी मिल रहा है, लीफ भी मिल रही है, ग्रास भी मिल रहा है, और आर्किटेक्चर बिल्डिंग भी मिल रही है. तो अगर आप डिटेलिंग पे ध्यान दें तो आपको काफी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है. चाहे एकदम पीछे वाला ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसको भी जो है एक तरीके से काफी डिटेल में जो है इमेजेस क्लिक करी हुई है. तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस प्राइस रेंज में जो है मुझे डे लाइट की इमेजेस काफी इंप्रेस कर रही है. आयरन की जो रस्टिंग वगैरह है वो आपको क्लियरली यहां पे देखने को मिल जाती है, और इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं किया है. मैंने पोको X3 यूज किया था, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि अगर रेड कलर है तो उसको काफी ज्यादा रेड कर दे रहा था, लेकिन यहां पे अगर आप देखते हैं इमेजेस को, वो काफी वेल बैलेंस
मुझे लगी है। स्पेशली मुझे डे लाइट इमेजेस में शेडो सेपरेशन जो है इसमें काफी जबरदस्त लगा है, और यहाँ पे आपको रॉ मोड देखने को मिल जाता है। रॉ मोड के साथ साथ में आपको यहाँ पे प्रो मोड भी मिल रहा है, जहां पे आप अपने हिसाब से जो है ISO, व्हाइट बैलेंस, इन सबको जो है कंट्रोल कर सकते हो। उसका UI भी जो है मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ, मुझे काफी पसंद आया है। अब अगर मैं यहाँ पे जूम इमेज की बात करूँ तो यहाँ पे 2x जो है आपको मिलता है, तो जैसे 2x पे करोगे तो आप ऑब्जेक्ट के काफी जो है क्लोजर चले जाओगे। उसकी इमेज की क्वालिटी भी जो है मुझे ठीक लगी है, अच्छी नहीं बोलूंगा, जो नॉर्मल सेंसर से आप ले रहे हो वही इमेज लेना, उसी को क्रॉप वगैरह करके आप जो है सोशल मीडिया पे डाल देना। लेकिन 2x में जो है मुझे क्वालिटी थोड़ी सी एक तरीके से डिग्रेड सी लगी है, पसंद नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट वगैरह देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है स्लाइड करके 10x तक लेके जा सकते हो, आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इमेज क्लिक करके जो है क्वालिटी उतनी बेटर आपको नहीं मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर की, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक तरीके से कंपैरिजन कर करके ही बताऊंगा, अलग से नहीं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप जितनी भी अल्ट्रा वाइड इमेजेस देख रहे हो, यहाँ पे क्वालिटी आपको जो है ऑब्वियसली काफी कम जो है एक तरीके से देखने को मिल रही होगी, इमेज में जो कलर्स वगैरह है वो आपको कम मिल रहे होंगे। यस, आपको जो है एग्जैक्ट वही जो है क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको मेन सेंसर से मिल रही है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो अल्ट्रा वाइड में एक तरीके से जो आपको पूरा स्पेस मिल रहा है वो काफी जबरदस्त मिल जाता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो गाइस यहां पे जो है कई बार मैंने ऐसा फील किया है कि बहुत सी एक तरीके से सॉफ्ट सी जो है इमेज को बना देता है और कलर्स वगैरह को भी जो है डाउन कर देता है, तो ये एक शिकायत जो है ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में बाकी स्मार्टफोन्स में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैक्रो सेंसर के बारे में। तो देखो, ये जो एक पार्ट था ना वो ऑलमोस्ट मैं बाकी स्मार्टफोन्स ब्रांड में इतना कवर नहीं करता था, मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि भाई बहुत ही लो क्वालिटी का मैक्रो सेंसर मिलता था। लेकिन यहाँ पे शाओमी ने जो है एक तरीके से कस्टमर की सुनी है, लोगों की सुनी है, और यहाँ पे सेंसर को काफी इंप्रूव कर दिया है। अगर आप क्वालिटी देखें इमेजेस की तो काफी बढ़िया आपको मिल जाती है, इमेजेस में जो बैकग्राउंड ब्लरिंग आपको इसमें मिल रही है वो काफी अच्छी मिल जाती है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का लगता है, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ इमेजेस को क्लिक करके जो है आप काफी अच्छे मैक्रो शॉट ले सकते हो। आप जितनी भी इमेजेस देख रहे हो डायरेक्टली मैक्रो सेंसर यूज करके लिए हैं। और एक जो चीज मुझे पर्सनली इसमें काफी पसंद आई है वो है भाई फोकस लेवल, यानी कि जब मैं टैप कर रहा हूं ना तो फोकस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है, इजिली फोकस कर देता है। तो अगर आपको मैक्रो शॉट वगैरह लेना पसंद है तो ये कैमरा जो है काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। अब पोर्ट्रेट मोड के थ्रू ली गई इमेज की क्वालिटी भी जो है मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है, जो एक तरीके से एजेस वगैरह पे जो ब्लरिंग वगैरह होती है वो काफी वेल बैलेंस की है। थोड़ी जगह जो एक तरीके से हेयर वगैरह पे मुझे थोड़ा सा इश्यू आया है कि ब्लर जो है ज्यादा कर रहा है, अगर वो आप बिल्कुल जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पोर्ट्रेट मोड में एक जो चीज मुझे पसंद आई है वो है भाई सनलाइट। आप अगर देखो तो मेरे हेयर पे जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, लेकिन उस चीज को इसने काफी अच्छे तरीके से जो है शोकेस किया है, मेंटेन किया है, तो आप पोर्ट्रेट मोड के थ्रू जो है डायरेक्ट सनलाइट में काफी अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकते हो। तो ये तो हो गई सारी बातें डे लाइट इमेजेस की, लेकिन अब बात कर लेते हैं लो लाइट की, क्योंकि यहाँ पे सेंसर जो है सैमसंग का ऐसा बोल है कि आपको लो लाइट इमेजेस जो है काफी अच्छी मिल जाती है, लाइट एनहांस करके आपको मिलती है। तो यहां पे रिजल्ट्स जो है मुझे जो पर्सनली फील हुआ है वो ये कि भाई जहां पे लो लाइट में जो है एक तरीके से इमेज में जो है ब्राइटनेस लेवल थोड़ा ज्यादा इंक्रीज अपने आप हो जाता है, जिसके कारण अगर आप जूम करते हैं तो आपको थोड़ा सा ग्रेन देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट पर्सनली मुझे जो डे लाइट की इमेजेस की क्वालिटी, जितना इंप्रेस मुझे डे लाइट की इमेज क्वालिटी ने किया था, उतना जो है मुझे यहाँ पे लो लाइट इमेजेस में नहीं किया है। तो ये तो हो गई इमेजेस की बात, अब बात कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4K 30fps तक जो है एक तरीके से हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है, लेकिन 1080p 60fps पे जो है वीडियो शूट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं 30fps 1080p की जो है क्वालिटी दिखाने वाला हूं, तो सबसे पहले वो सैंपल सुनिए, क्योंकि यहां पे मैंने एक तरीके से माइक रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि माइक की क्वालिटी भी कैसी मिलती है। सो गाइज, ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये शूट हो रहा है रियर कैमरे से, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो मैंने 1080p 30fps रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है, 60fps में कोई भी EIS नहीं है, वो भी क्वालिटी में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप देखें अभी 30fps पे तो डायनेमिक रेंज वगैरह कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, और माइक भी जो है एक तरीके से इसी का मैंने यूज़ किया है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ऑडियो क्वालिटी आपको कैसे मिलती है। तो अब जो है ये वीडियो क्वालिटी आप देख रहे हैं 1080p 60fps पे देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं चल भी रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी वगैरह आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, EIS की कमी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे 1080p 60fps में EIS देना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा EIS को मानता हूँ, क्योंकि भाई स्लो करके वीडियो मैं एडिट वगैरह करता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। आप लोगों का क्या थॉट है, EIS 1080p 60fps पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में कमेंट ज़रूर कर देना। लेकिन क्वालिटी वाइज मैं बोलूँ तो भाई अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है, स्मूथनेस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है,
चाहिए लेकिन EIS नहीं है, तो मैं तो शायद ही जो है इससे शूट करूं। वीडियो क्वालिटी ऑन पॉइंट है लेकिन EIS की वजह से जो है मैं एक तरीके से थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं हुआ हूं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको स्टडी मोड दिया गया है, तो आप जो स्टडी मोड इनेबल करके वीडियो शूट कर सकते हो। आपको एक तरीके से काफी स्मूथ सा जो है मोशन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन एक जो बैरियर आपको मिलता है वो ये कि आपको हाईएस्ट क्वालिटी यहाँ पे 1080p 30fps ही मिलती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो क्वालिटी देखी है, क्या आप लोगों के थॉट है प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। यस, Xiaomi का MIUI सॉफ्टवेयर बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देता है, बहुत ही अलग अलग टाइप के और तरीके से यूनिक से जो है आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यस, यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप व्लॉग वगैरह बना सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो वाला ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि अभी के टाइम पे काफी ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का जो है ट्रेंड चल रहा है, तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली म्यूजिक भी लगा सकते हो और वीडियो बना सकते हो। 15 सेकंड 30 सेकंड आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो, बीच में प्ले पॉज भी कर सकते हो, तो आप जो है एक तरीके से पूरा रील्स जो है बाय डिफॉल्ट कैमरा के थ्रू बना सकते हो, तो ये फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। उसी के साथ डुअल वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए सैंपल निकाला है। सो गाइज, ये जो फीचर आप देख रहे हो इसे डुअल वीडियो फीचर Xiaomi ने कहा है। यहाँ पे रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे को आप एक साथ यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे बैक में जो है अच्छी ग्रीन ग्रास वगैरह हो रही है, वो भी दिख रहा है। तो ये मेरा हाथ है, मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि दोनों को एडिट किया, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव टाइम पे जो है आप दोनों को जो है एक साथ यूज कर सकते हो। ये फीचर मुझे काफी सही लगा है, आपके क्या थॉट है कॉमेंट में जरूर बताना। एक और एक्स्ट्रा और काफी अच्छा फीचर मुझे लगा है, वो है भाई क्लोन इमेजेस का। तो यहाँ पे जो है आप क्लोन अपनी खुद की जो है इमेजेस वगैरह बना सकते हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हो। ये फीचर भी जो है मुझे काफी पसंद आया है। 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है और इसके थ्रू इमेजेस वगैरह मैंने जितने भी क्लिक किए हैं उनसे मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं, क्योंकि यहाँ पे शेडोज वगैरह आप जो देख रहे हो मेरे शोल्डर पे या मेरे फेस पे उसको काफी वेल बैलेंस करके रखा हुआ है। एक्सपोजर लेवल को भी जो अच्छा करता है और स्किन टोन्स वगैरह भी जो है इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज या फिर स्मूथ नहीं किया है। सेल्फी कैमरा के थ्रू ली गई इमेज की क्वालिटी भी पसंद आई है और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में भी जो है आपको काफी अच्छा पोर्ट्रेट मिल जाता है, ब्लरिंग वगैरह अच्छे मिल जाती है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पे सेल्फी पोर्ट्रेट में जो है थोड़ा सा आपको सॉफ्ट सा जो है ब्लर मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो रियर में मिल रहा था वो काफी अच्छा मिल जाता। तो गाइज, आप लोगों ने अभी वीडियो में बहुत सारे सैंपल्स देखे, वीडियो सैंपल्स भी देखे, माइक की क्वालिटी भी जो है आप लोगों ने सुनी है, लेकिन अब अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूं कि इसकी कैमरा मुझे कैसा लगा है, तो देखो यहाँ पे जो है इस प्राइस में मैंने 108 मेगापिक्सल का भी सेंसर यूज करके रखा हुआ है। मी 10i में यूज किया था और सैमसंग का जो है F62 में जो है यूज कर रखा है, और बहुत सारे लोग इस चीज को लेके जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि 108 मेगापिक्सल जो है प्रो मैक्स में आ रहा है वो लेना चाहिए या इसको लेना चाहिए। तो देखो एक चीज बताऊं कि मुझे इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं लगा है। ऑनेस्टली डिटेलिंग जो है दोनों में मुझे काफी एक्यूरेट सी लगी है, बट हाँ ये कि भाई उसमें आपको ज्यादा मेगापिक्सल मिल रहा है तो आप ज्यादा जूम कर सकते हो, जूम की क्वालिटी जो है उसमें आपको थोड़ी बेटर मिल जाती है, बट इतना फर्क नहीं मिलता है, क्योंकि आप जो है एक तरीके से हर इमेज को बिल्कुल 108 मेगापिक्सल में जूम करके नहीं क्लिक करोगे। मुझे पता है आप लोगों को जो एक तरीके से इमेज क्वालिटी ओवरऑल कैसी आ रही है उस पे मैटर करता है। तो यहां पे मुझे 64 मेगापिक्सल का जो सर इस फोन में यूज हुआ है वो मुझे ऑन पॉइंट लगा है, काफी जबरदस्त लगा है। तो आप जो है कंफ्यूजन में मत पड़ो कि 108 मेगापिक्सल अच्छा होगा, इतना कोई ज्यादा जमीन आसमान का आपको फर्क नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको ये डिटेल कैमरा रिव्यू Redmi Note 10 Pro का पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस जरूर कर देना, जो स्टार्टिंग में टारगेट दिया था आई होप आप लोग जो है वो पूरा कर दोगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि और भी वीडियोस जो है Redmi Note 10 Pro के ऊपर आपको चैनल पे इन फ्यूचर देखने को मिलने वाली है। और अभी जितने भी लास्ट वीडियोस मैंने डाली है उस पे आप लोगों ने काफी जबरदस्त सपोर्ट दिखाया है। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाओगे तो हम जल्दी से जल्दी 100,000 सब्सक्राइबर जो है पूरे कर लेंगे। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।